हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजू और आपका मेरे चैनल सात्विक कढ़ाई में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं बंस। ये शुरू करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले अगली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। बंस बनाने के लिए हमें चाहिए 4 कप मैदा, 1/2 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप वेजिटेबल ऑयल या ऑलिव ऑयल, 1/4 कप शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून ईस्ट और गुनगुना पानी गूथने के लिए। सबसे पहले गुनगुने पानी में हम ईस्ट को मिलाएंगे, फिर शुगर मिला देंगे। शुगर जो है ईस्ट का भोजन होता है और इसी से ये फर्मेंट होता है, और हम इसे मिक्स कर देते हैं। और 10 मिनट के लिए इसे ढक के छोड़ देते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, ईस्ट भी फर्मेंट हो गया है, ये देखिए। अब हम मैदे को गूंथ लेते हैं। मैदा गूंथने से पहले आप हाथ को अच्छे से क्लीन कर लें, उसके बाद ही गूंथना स्टार्ट करें। सबसे पहले मैदे में हम एक होल बनाते हैं, फिर उसमें मिल्क पाउडर मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। हम इसमें नमक भी ऐड कर लेते हैं और इसे भी मिक्स कर देते हैं। अब एक होल बनाएंगे, उसमें फर्मेंटेड ईस्ट डाल देंगे। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे, आधा ऑयल डालेंगे और आधा बचा के रखेंगे गूंथने के लिए। अब इसे हम मिक्स कर लेते हैं अच्छे से। इसे आप हाथ की मदद से भी गूंथ सकते हैं। स्पैटुला से मिक्स करने पे ये होता है, हाथ में चिपकता नहीं। इसमें थोड़ा और गुनगुना पानी डालेंगे, गुनगुने पानी से ही मैदा गूंथना है। अब हम हाथ की सहायता से मसल मसल के मैदे को गूंथ लेते हैं। पहले इसमें ऑयल लगा लेते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल डाल के इसे, जो बचा हुआ ऑयल है उसी ऑयल को यूज करेंगे और इसे और अच्छे से गूंथ लेंगे। मैदा गूंथ चुका है। अब हम बाउल में ऑयल लगाएंगे। और इसमें मैदा ट्रांसफर कर लेंगे। इसे चिकना गूंथ लेंगे, चिकना कर लेंगे इसको मसल मसल के। देखिए ऐसा चिकना होना चाहिए। अब हम इसे ढककर 1 घंटे तक फर्मेंट होने देंगे, या फिर जब तक ये गूंथा हुआ आटा डबल ना हो जाए तब तक हम फर्मेंट होने देंगे। तो फिर हम मिलते हैं 1 घंटे के बाद।
देखिए मैदा डबल हो चुका है, अब हम इसे हल्के हाथों से पंच कर लेंगे। ऐसे थोड़ा गूंद लेते हैं, हल्के हाथों से ही गूंथेंगे। अब हम बेकिंग ट्रे लेकर उसे ग्रीस करेंगे। ये ग्रीस हो चुका, अब हाथ में सूखा मैदा लगाएंगे और छोटे छोटे रोल्स बना लेंगे। एक और टिन लेते हैं, उसे भी ग्रीस कर लेते हैं ऑयल से। और इसमें भी रोल्स बना के रख देंगे। ऐसे ही करके सारे रोल्स बना लेंगे और इसे थोड़ी थोड़ी दूरी पे रखेंगे, क्योंकि ये फर्मेंट होने के बाद से डबल होता है। अब हम आधे घंटे के लिए इसे ढक के रख देते हैं, फिर हम बेक करेंगे। अब ये साइज में देखिए डबल हो चुका है। अब हम दूध और ऑयल के मिश्रण से इसे ग्रीस कर लेते हैं। पहले से प्री हीटेड ओवन में हम इसे बेक करेंगे। हमने ओवन को 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए प्रीहीट कर लिया था, तो चलिए बेक करते हैं। हम इसमें सावधानी के साथ रखेंगे, हाथ जलने ना पाए। अब हम कन्वेक्शन मोड पे 130 डिग्री पे 40 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। देखिए बेकिंग स्टार्ट हो गया है। अब 40 मिनट्स के बाद मिलते हैं। 40 मिनट्स हो गए हैं, अब हम बंस को निकाल लेते हैं। इसे सावधानी से निकालें। अब हम बटर या घी से इसे ग्रीस कर लेते हैं, ताकि ये सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। और साफ कपड़े से इसे ढक देते हैं। जब ये ठंडा होगा तो फिर हम देखेंगे। बंस ठंडा हो चुका है, ये देखिए कितना रुई जैसा सॉफ्ट हुआ है। आप इसे पाव भाजी बनाकर खा सकते हैं, बर्गर बना के खा सकते हैं, बड़ा पाव भी बना के खा सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।